होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में एसडीएम रविशंकर राय की विदाई हो चुकी है। होशंगाबाद जिले की संयुक्त कलेक्टर डीएन सिंह ने आमद देकर सिवनी मालवा एसडीएम कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नवागत एसडीएम डीएन सिंह पूर्व के वर्षों में सिवनी मालवा के तहसीलदार रह चुके हैं। इनकी छवि शांत लेकिन कर्मठ प्रशासक की मानी जाती है। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर अपनी प्राथमिकताओं और कार्यों के बारे में चर्चा की। कल मैंने एज एस डी एम सिवनी मालवा कल ज्वाइन किया है। सिवनी मालवा में मेरी मुख्य प्राथमिकताएं अभी जो वर्तमान में है, जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं जिनसे लोगों को बचाया जा सके, इससे संबंधित सभी विषयों पर हमारे द्वारा जितनी भी प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं वो हम लेंगे और अपने इस क्षेत्र की जनता को बचाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में लॉकडाउन भी खुल गया है, लेकिन फिर भी जो बचाव हम कर सकते हैं वो हम यहाँ करेंगे। हमारे जो तहसील के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं और उसका परिणाम है कि आज सिवनी मालवा में कोई पॉजिटिव नहीं आ पाया है और आगे भी यही प्रयास करेंगे कि हमारा जो अमला है वो पूरी तरह से लगा हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, राजस्व का हो, पुलिस का हो, सब अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और इसी प्रकार हम आगे भी करते रहेंगे। बचाव के लिए जो भी उपाय आवश्यक हैं वो हम अवश्य करेंगे। सर, आने वाले समय में न्यू खरीदी शुरू होने वाली है तो उसको लेकर क्या प्लानिंग करेगी? न्यू खरीदी जो चालू होने वाली है उसको लेकर क्या प्लानिंग करेगी? किसान को जैसे गेहूँ का जब भी आसानी से पड़ गया तो न्यू खरीदी के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? उसके लिए भी जैसे भी समय समय पर शासन के जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं मूंग खरीदी के लिए या जो भी अन्य और आगे और जो भी निर्देश आते हैं हम उनका बखूबी पालन करते हुए सब निर्वहन करेंगे और उसको भी पूरा कराएंगे। क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश? क्षेत्र की जनता के लिए चूंकि हमारा एसडीएम का जो पद है वो यही है कि जितने भी जनहितैषी जितने लोक उपयोगी कार्य होते हैं जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनको यदि हम दूर कर पाए ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए निश्चित तौर पर शासन की जितनी भी समस्त योजनाएं जनता के हित के लिए ही बनाई जाती हैं और उनका क्रियान्वयन कराने का सारा दारोमदार दायित्व जो है हम प्रशासनिक अधिकारियों का ही होता है और मैं यहाँ निश्चित तौर पे अपने सभी सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर हम ये प्रयास करेंगे कि जनता तक उनका लाभ पहुँचे। अन्य विभागों से किस तरीके से सामंजस्य बनाकर काम किया जाएगा? मूलतः एसडीएम का जो कार्य है वो सभी के साथ सामंजस्य बनाते हुए कार्यों को अंजाम देना होता है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्योंकि जितने विभाग होते हैं सब एक दूसरे के पूरक होते हैं तो सभी विभागों को एक साथ समन्वय बना करके वो जितने भी कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जिनसे उनको पूरा करके जनता को उनको फायदा देना होता है वो हम सब पूरा कराएंगे। आज की जो समस्याएं हैं और जो शिकायतें उनका निराकरण बड़ा सरल होता है। सबसे पहले तो हमें जनता को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ मामलों में हमें फील्ड में जाकर मौके पर निराकरण करना होता है और कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिन्हें उनका ज्ञान नहीं होता है हम उन्हें सही दिशा निर्देश देकर उस समस्या का निराकरण भी कर सकते हैं।